नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने किया था इसका माइलेज टेस्ट, तो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल कर दी थी इसने। तो जिस हिसाब से लास्ट वीडियो में रिस्पांस मिला, काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं उसमें, तो मैंने एक और वीडियो बनाने की सोची है। सभी ज़्यादातर माइलेज टेस्ट ही करते हैं, ज़्यादा माइलेज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं इसकी कम से कम माइलेज निकालूंगा कि इसको इकोनॉमी मोड पे चलाऊंगा ही नहीं, फुल एक्सीलेटर पे गाड़ी को चलाऊंगा। तो देखते हैं आज इसकी क्या माइलेज निकाल के देती है ये। तो वैसे देखना, मैं भी ये चाहता हूँ कि कितनी माइलेज देती है, अभी उससे नीचे माइलेज नहीं देगी, उस हिसाब से बंदा अपना लेकर चलेगा हमेशा ना। तो चलो चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, मिलते हैं। हाँ जी, यहाँ ऊपर तक ही कर देना बिल्कुल। कर दो थोड़ा सा और, कोई नहीं, कर दो थोड़ा सा और ऊपर तक आ जाए बस। ये देखो दोस्तों, ये फ्यूल बिल्कुल यहाँ तक है, ऊपर तक, मतलब थोड़ा सा और डल सकता था इसमें, बट यहाँ बिल्कुल ऊपर तक है। यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दूँ अगर, तो यहाँ तक है फ्यूल। एंड अब कर लेते हैं मीटर जीरो। ये ट्रिप जीरो कर ली, ये फ्यूल रीसेट कर लिया जो इकोनॉमी दिखाता है ये। और अभी टाइम हुआ 5:25, तो चलो दोस्तों निकलते हैं। यार मैं पीछे माइक लगाना ही भूल गया था, तो आज भी इसको हम 50 किलोमीटर कम से कम चला कर देखेंगे और कोशिश करूँगा कि एक्सीलेटर मैं ऐसे ही रखूँ इसका, और इकोनॉमी पे चलानी नहीं है हमने। ये थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाके से जा रहे हैं हम, फिर आगे जाके नैरो रोड पे ही चलाएंगे इसको, फिर थोड़ा सा रफ रोड आएगा वहाँ पे चलाएंगे, और एक थोड़ा सा ऊंचाई नीचाई आएगी वहाँ चलाएंगे। तो देखते हैं कम से कम कितनी देती है माइलेज, कि पता लग जाएगा कि उससे नीचे तो देगी ही नहीं माइलेज। और जो मेरा वेट है अप्रोक्स 90 kg है, तो हाँ भाई सच्ची में ओवरवेट हो गया हूँ मैं बहुत, तो उस हिसाब से भी थोड़ी माइलेज देती है बाइक, स्कूटर जो भी है आपका। ये वाला टेस्ट मैं हाईवे पे भी कर सकता था, लेकिन हाईवे पे कांस्टेंट चलती जाती तो कम माइलेज नहीं निकलती कम से कम। ये माइलेज टेस्ट ही मैं कर रहा हूँ कि कम से कम माइलेज जो निकले इसकी वो निकालनी है मैंने। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं थोड़े से रफ रोड्स पर, बरसातों में पूरी भर के आती है नदियाँ। लो भाई अपा ने रफ रोड्स पे भी चला लिया है। अब यार इस पे ज़्यादा भगा तो नहीं सकते हम, अरे भाई पाउडर लगा रहा है यार। ओहो कैमरे पे लग जाएगी, 360 साफ नहीं करता मैं। साला कॉम्बी ब्रेक का ना फायदा नहीं है मिट्टी में, तो खासकर मैं पिछली ब्रेक लगा रहा था और अगली भी लग गई। अब थोड़ा ध्यान से चलाता हूँ, चोट चाट तो कुछ नहीं लगी, खैर थोड़े से शीशे मुड़ गए थे और मिट्टी थी इस कारण इसके भी कुछ नहीं हुआ। भाई इधर तो धीरे ही चलता हूँ, शिट। क्या यार, यार कोशिश करूँगा कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम ही हटवा दूँगा, तार ही निकलवा दूँगा, पिछले वाली लगती तो अगले से मैं गिरता नहीं ना। भाई यहाँ ध्यान से ब्रेक। दोस्तों कभी भी रेते में, मिट्टी में, जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे ब्रेक ध्यान से लगाना,
क्योंकि कॉम्बी ब्रेक है तो अगला भी आप पिछली मारोगे अगली भी लग जाएगी और स्किट हो जाएगी और आप गिर जाओगे। ये वाली सामने, ये सामने बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से परफॉर्म करती है। जी हटे नहीं थोड़ा सा भी, रोड की तो बहुत बुरी हालत है भगवंत मान जी, देख लो थोड़ा रोड को। नया गांव से जो पिंजौर की तरफ निकलता है वो वाला रोड है ये, कुछ करो इसका हिला। चलो जी पूरी 20 किलोमीटर चल गई है। चलो जी यहां से हो गए हम वापसी, अंधेरा भी जल्दी जल्दी हो रहा है और टाइम भी 6:04 हो गए हैं। ये वाली गाड़ी ही चल रही थी धीरे धीरे आगे हमारे जब मैं गिरा। यहां पर तेरी फिर गिर जाता अभी भाई, बड़ी अनबैलेंस होती है यार मिट्टी में ये। बाइक बुइक तो मैनेज कर लेता बंदा, स्कूटी मैनेज करनी बड़ी औखी है। फिर वहीं पे ये एकदम से अनबैलेंस हुई। तो वापिस हम आ गए हैं सिटी में, थोड़ा सा हाईवे टच दे ही देते हैं यार क्योंकि 35 किलोमीटर ही चली है अभी। देखते हैं टॉप स्पीड कितनी जाएगी 90 किलोमीटर के साथ मेरा। ओ भाई इसको क्या हो गया, दो तीन बार तो मुझे ऐसे ही चलानी पड़ी इधर उधर, तब जाके अब 49.1 किलोमीटर हुए हैं पूरे। तो पेट्रोल पंप तक पूरे भाई साहब यार ये डर लगता है भाई ऐसे तो ना कोई बंदा आ गया जे। तो पेट्रोल पंप तक पूरे 50 किलोमीटर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं फ्यूल पुआते हैं इसमें। और पूरे के पूरे 50 किलोमीटर हो गए हैं दोस्तों। चलो फ्यूल रिफिल करवाते हैं, देखते कितना आता है। डाल दो जी जितना आता ऊपर तक। कमी आएगा ऊपर तक ही डालना है, यहाँ तक पूरे और डाल दो। मेरी ऑनलाइन पर्ची भी दे देना। ये हो गया जी, ये देखो फ्यूल बिल्कुल उतना ही है जितना पहले था ऊपर तक बिल्कुल। अच्छा मैं जो मेरा फ्यूल डला है वो डला है 121 रुपए का इसमें, और 122 का लगा लो 1.29 लीटर और 50.4 किलो मतलब 50 किलोमीटर लगाओ आप चल चुकी है। और इसमें जो माइलेज शो कर रहा है वो 35 की शो कर रहा है।
मीटर पे जो शो कर रहा है, और 5:30 शुरू करा था, लगभग 1.5 घंटा हो गया। तो फ़ोन निकालते हैं, 50 / 1.29 लीटर, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कम से कम जो आपको माइलेज मिलेगी इसमें दोस्तों, वो मिलेगी 38 की, कम से कम 35 मान के चलें आप, जो कम से कम लास्ट माइलेज मिलेगी आपको, क्योंकि मीटर में 35 शो कर रहा है, तो यहाँ पे 38 दिखाया जो कैलकुलेट किया मैंने, तो मान के चलें कि कम से कम आपको जो माइलेज मिलेगी इसमें वो मिलेगी 35 की या 38 किलोमीटर की, इससे नीचे माइलेज नहीं मिलेगी। हो सकता हाईवे पे ये आपको 50 की माइलेज भी दे दे भगाते हुए, तो वो तो कभी अब हाईवे माइलेज टेस्ट करेंगे तो तभी पता लगेगा। चलो जिस हिसाब से मैंने भगाई है ये, जिस हिसाब से उबड़ खाबड़ रास्तों से लेकर गया हूँ, तो उस हिसाब से तो माइलेज इसने ठीक दी है, बट 38 भाई बहुत ही कम है एक तरह से। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।